हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 और इसमें हमें कुछ नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर प्रूव करना है √5 इरेशनल। अब हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है तो इसके लिए पहले हम इसको उल्टा मान लेंगे। इरेशनल प्रूव करना है तो इसको हम रैशनल मान के चलेंगे। तो देखो, लेट √5 is a rational number. तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको p by q की फॉर्म में राइट किया जा सके या फिर a by b की फॉर्म में राइट किया जा सके, मींस उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करना होता है। तो ये देखो, अब हमने इसको रैशनल नंबर माना है तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं a by b की फॉर्म में। अब रूट फाइव को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में राइट तो कर लिया, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है? जो a और b है वो क्या होंगे? को प्राइम होंगे। को प्राइम मीन्स इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सो √5 इज इक्वल टू ए बाय बी हमने मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, बी को इधर साइड चेंज कर देंगे तो ये √5 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बी को इधर लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये √5 के इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये आ गया √5 बी और इक्वल में हमारे पास है ए। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वेयरिंग करनी है। √5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। √5 का स्क्वेयर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 5। b स्क्वेयर किया तो b स्क्वेयर आएगा इक्वल में a स्क्वेयर। अब यहां से देखो जो यहाँ पे ये 5 है बी स्क्वेयर के मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम इस 5 की साइड चेंज करेंगे तो ये ए स्क्वेयर के डिवाइड में चला जाएगा। इट मीन्स बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाय 5, मीन्स जो 5 है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम राइट करेंगे ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, मीन्स ए स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है। अब एक थ्योरम है 1.2 एक्सरसाइज से पहले दी गई है, वो थ्योरम क्या फॉलो करती है कि अगर ए स्क्वेयर डिविजिबल है 5 से, सो ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वेयर डिविजिबल है 5 से सो ए भी डिविजिबल होगा 5 से। अब हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 5c। सी यहाँ पे कोई हमने और इंटीजर मान लिया है। अब इस रिजल्ट को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब ए के प्लेस पे हम यहाँ पे 5c पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास है 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर के प्लेस पे हम राइट करेंगे 5c स्क्वेयर, 5c, और इसका करना हमने स्क्वेयर क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वेयर था, तो ये आ जाएगा 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर। अब यहाँ से देखो, b स्क्वेयर इज इक्वल टू ये 5 यहाँ पे 25 को डिवाइड कर देगा तो 5c स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, जैसे हमने यहाँ से रिजल्ट निकाला था कि a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, ऐसे ही यहाँ पे देखो, अब ये 5 अगर हम यहाँ पे लेके आए, हमारे पास क्या है, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर। अगर 5 को हम इधर लेफ्ट साइड में लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वेयर। अब बी स्क्वेयर भी 5 से डिविजिबल है, यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट होगा, बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b is also divisible by 5 and a is also divisible by 5. अब a भी 5 से divisible है और b भी 5 से divisible है, तो it means इनमें एक 5 number है जो इनका common factor है, और हमने यहाँ पे क्या assume किया था कि ये co-prime numbers हैं। अब co-prime numbers में तो सिर्फ 1 common factor होता है, इसके अलावा कोई और common factor नहीं होता, और यहाँ पे देखो ये भी 5 से divisible है और ये भी 5 से divisible है, तो it means इन दोनों में
फाइव एज अ कॉमन फैक्टर है तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं हुए। अगर ए और बी को प्राइम नंबर्स नहीं है तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। अब ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है तो जो हमने अज्यूम किया था वो हमने गलत अज्यूम कर लिया था। अब हम राइट कर देंगे दिस इज अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब यही होता है कि जो हमने माना था वो हमसे गलत माना गया है। और लास्ट में हम राइट कर देंगे सो वी कंक्लूड रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। तो यही हमने प्रूव करना था। रूट फाइव के प्लेस पे यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाए रूट के अंदर कोई भी नंबर जैसे रूट टू रूट थ्री रूट सेवन तो इन सभी वैल्यूज को भी हमने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब इस नंबर को हमने इरेशनल प्रूव करना है और किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम उसको उल्टा मान के चलेंगे कि हमें इसको रैशनल मान लेना है। तो इसको हम ऐसे राइट करेंगे 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। अब ये एक रैशनल नंबर है तो इसको हम a बाय b की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो a बाय b और कंडीशन क्या होगी हमारे पास a और b को प्राइम नंबर्स होंगे। a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स और जो b है वो b नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी हमारे पास है। अब हमें क्या करना है कि जो रूट वाली वैल्यू है उसको एक तरफ रखेंगे और जो बिना रूट वाले नंबर है उसको दूसरी साइड रखेंगे। तो देखो अब इस 3 को हम अगर राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी माइनस में चला जाएगा माइनस 3 2 रूट 5 इज इक्वल टू बी ए माइनस 3b। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। अब इस 2 को भी हम इधर राइट साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 3b बाय 2b। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो साइड चेंज करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हमने कैसे अरेंज किया जो रूट वाली वैल्यू थी उसको हमने लेफ्ट साइड में लिखा और जो बिना रूट वाली वैल्यूज थी उनको हमने राइट साइड में ले लिया है। अब जो a और b इसमें यूज हो रहे हैं वो क्या है a b r इंटीजर्स। अब a और b इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स का जो ये वाला रिलेशन है तो ये भी क्या होगा इंटीजर और 2b क्या होगा इंटीजर। तो ये दोनों इंटीजर है इंटीजर के बारे में इंटीजर है तो इट मींस a माइनस 3b बाय 2b इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अगर ये हमारे पास जो नंबर है ये एक रैशनल नंबर है तो हम पीछे क्या प्रूव करके आए हैं लास्ट क्वेश्चन में जो रूट वाली वैल्यू है वो एक इरेशनल नंबर है। अब देखो रूट फाइव हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब रूट फाइव इरेशनल है और ये वाली वैल्यू रैशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता और हमने इसको यहाँ पे इक्वल राइट किया है तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पे इस नंबर को रैशनल नंबर माना था ये हमने रॉन्ग मान लिया था। सो वी कंक्लूड दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए हैं इनको भी हमने इरेशनल प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट करेंगे 1 बाय रूट 2 इसको हमने इरेशनल प्रूव करना है। तो हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या किया है इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसको लेट करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर अब 1 बाय रूट 2 को हमने रैशनल नंबर माना तो इसको हम a बाय b की फॉर्म में या फिर p बाय q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसको हम a बाय b की फॉर्म में राइट करेंगे और इसके लिए हमारे पास कंडीशंस क्या होंगी कि जो a और b है वो को प्राइम नंबर्स होंगे। a एंड b आर को प्राइम और दूसरी कंडीशन होगी कि b नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं
तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू रूट टू ए, मीन्स रूट टू ए इज इक्वल टू बी. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, रूट टू ए स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर. यह आ जाएगा टू ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर. अब इससे हमें क्या मिलेगा कि जो बी स्क्वेयर है वो डिविजिबल बाय टू. इसको हम इक्वेशन वन मान लेंगे. तो इक्वेशन वन से हमें क्या मिला, बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय टू. अब एक थ्योरम का हमने यूज किया था, उसमें क्या था कि बी स्क्वेयर अगर डिविजिबल है टू से तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू. बी भी टू से डिविजिबल होगा. तो अब हम ऐसे राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट बी इज इक्वल टू टू सी. सी यहाँ पे हमने कोई और इंटीजर मान लिया है, तो बी इज इक्वल टू टू सी. और इस वैल्यू को हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे बी के प्लेस पे टू सी यहाँ पे हम पुट करेंगे. तो ये आ जाएगी हमारे पास टू ए स्क्वेयर इज इक्वल टू टू सी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वेयर था और b की वैल्यू हमारे पास है 2c, तो यहाँ पे हम 2c का स्क्वेयर करेंगे. सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर. अब यहाँ पे देखो, अगर हम 2 की साइड चेंज करें, इसको लेफ्ट साइड में लेके आए, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, a स्क्वेयर बाय 2, मीन्स जो a स्क्वेयर है वो डिवाइड हो जाएगा 2 से और इक्वल में हमारे पास हो जाएगा c स्क्वेयर. तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, जैसे इस वैल्यू से हमें ये रिजल्ट मिला था b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2, ऐसे ही हम यहां से राइट कर देंगे a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2. अब फिर से वही थ्योरम का यूज करते हुए हम राइट करेंगे a आल्सो डिविजिबल बाय 2. a स्क्वेयर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा. अब यहां से देखो, b 2 से डिविजिबल है, a 2 से डिविजिबल है, इट मींस इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2. और हमने यहाँ पे क्या माना था कि a और b को प्राइम नंबर्स है, मींस इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, अब 2, क्योंकि a और b दोनों ही 2 से डिविजिबल हो रहे हैं. तो हम राइट करेंगे a एंड b है 2 एज अ कॉमन फैक्टर, तो इट इज अ कंट्राडिक्शन. अब ये कंट्राडिक्शन हो गई है, मीन्स जो हमने अज्यूम किया था वो हमने गलत अज्यूम किया था. सो वी कंक्लूड दैट 1 बाय रूट 2 इज इरेशनल. इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 7 root 5, इसको भी हमने इरेशनल प्रूव करना है. तो इसके लिए हम सेम वैसे ही लेट करेंगे 7 root 5 इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर इसको हमने मान लिया है, तो हम इसको p बाय q की फॉर्म में राइट कर लेंगे a बाय b. 7 root 5 इज इक्वल टू a बाय b. लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होगी कि a और b ये क्या होंगे, को प्राइम. और दूसरी कंडीशन होगी कि जो b है, डिनोमिनेटर है, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा. अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि जो रूट वाली वैल्यू है वो एक तरफ रहे और बिना रूट वाले नंबर्स एक तरफ. ये आ जाएगा 7b बाय में. अब क्या था हमारे पास, a और b आर इंटीजर, a और b हमने इंटीजर्स लिए थे, तो इट मींस a बाय 7b इज रैशनल नंबर. a बाय 7b एक रैशनल नंबर है. और अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, जितना भी हमने प्रूव किया है, उससे हमें ये तो पता चल गया है कि जो रूट वाली वैल्यू होगी वो इरेशनल नंबर होगी. सो रूट 5 इज इरेशनल. वी नो रूट 5 इज इरेशनल. अब रूट 5 इरेशनल है और ये वाली वैल्यू हमारे पास रैशनल है, तो इरेशनल और रैशनल नंबर इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो इट इज अ कंट्राडिक्शन. सो वी कंक्लूड दैट, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला इसका, कि जो हमारे पास गिवन नंबर था
वो एक इरेशनल नंबर है। 7√5 इज इरेशनल नंबर। थर्ड पार्ट में है 6+√2, इसको भी हमने इरेशनल प्रूव करना है, तो इसके लिए हम राइट करेंगे 6+√2 इज रैशनल नंबर। तो इसमें भी हम इस नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए रैशनल मान के चलेंगे। अब ये नंबर रैशनल है तो इसको हम a बाय बी की फॉर्म में राइट करेंगे। a बाय बी की फॉर्म में राइट करने के लिए a और b के लिए क्या कंडीशन होगी कि ये को प्राइम है और b नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रूट वाली वैल्यू एक तरफ लेंगे। सभी क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर है, तो 6 राइट साइड में आ जाएगा। अब हमारे पास a और b, a b आर इंटीजर्स। अब इंटीजर से जो ये रिलेशन बना, तो इट मींस a बाय b माइनस 6 इज रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट टू के इक्वल में वैल्यू दिख रही है हमें, ये क्या होगी, एक रैशनल नंबर होगी। लेकिन अब तक हमें पता है कि जो रूट वाली वैल्यू है वो क्या होती है, इरेशनल। वी नो दैट रूट टू इज इरेशनल। रूट टू एक इरेशनल नंबर है और रूट टू के इक्वल में जो ये रिलेशन हमें दिख रहा है, ये इंटीजर्स का रिलेशन एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हुई। तो कॉन्ट्रडिक्शन है तो हम राइट कर देंगे इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन हुई, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था वो हमने गलत अज्यूम कर लिया था। सो वी कंक्लूड दैट 6+√2 इज इरेशनल।